हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट और लॉस, जी हाँ फ्रेंड्स, लाभ और हानि के तीन प्रकार के प्रश्नों को, यानी कि तीन टाइप के प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक्स में मात्र 2 सेकंड के अंदर में हम लोग हल करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से अप्रोच आपको यहाँ लगाना है और कितनी आसानी से मात्र आपको बिना पेन उठाए भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं केवल और केवल 2 सेकंड में। तो तीन प्रकार के लाभ और हानि के प्रश्नों का हम लोग इसमें सॉल्यूशन करेंगे और आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और पूरा देखने के बाद वीडियो अगर आपको लगेगा कि मैंने कुछ आपके लिए एफर्ट लगाया है तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला टाइप देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर 6750 रुपये में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। तो देखिए फ्रेंड्स, आप अपना अप्रोच लगाइए और आप देखिए कि आप कितना समय कम से कम आप ले रहे हैं। मेरा मानना है कि आप कितना भी जल्दी कर लीजिए, आप 40 से 45 सेकंड जरूर लीजिएगा इस प्रश्न को सॉल्व करने में। लेकिन आप मेरा अप्रोच ट्राई कीजिए एक बार, आप देखिए 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा, बशर्ते थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका होना चाहिए अच्छा खासा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी ये आपको समझ में आएगा। अपने माइंड को कूल रखिए और कुछ भी एक्स्ट्रा मत सोचिए, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप सोल्व कीजिएगा। ये जो टाइप का प्रश्न है रेलवे NTPC और ग्रुप डी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए बनाया है। और ख़ास करके लाभ हानि में जो रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, ये ऊपर जो देख रहा है ना हानि लिखा हुआ, ये आपको कभी कभी ऊपर लाभ मिलेगा और नीचे जो है हानि मिलेगा, तो इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। देखिए क्या करना है, जो यहाँ कहा जाए ना कि रुपया, तो सबसे पहले आप यहाँ रुपया लिख दीजिए, कितना कह रहा है 6750 रुपया। उसके बाद बटा में हमेशा बाद वाला हम लिखेंगे, तो बाद वाला क्या कह रहा है कि 15% का लाभ है, तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 115। अगर ये कहता कि 15% का हानि है यहाँ, अगर कहा जाता प्रश्न में, तो आप 100 में से 15 घटा देते तो कितना आता 85 आता। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि लाभ हो रहा है, तो हम जोड़ेंगे। फिर जो ऊपर वाला है पहले वाला, इसको हम नीचे लिखेंगे। सबसे पहले वाला है जो परसेंट में ये हानि है, तो यहाँ हम 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। अगर यहीं लाभ कहता, प्रश्न सपोज उलट जाता, ऊपर कहता 25% का लाभ और नीचे कहता 15% की हानि, फिर भी हम नीचे वाले को सबसे ऊपर लिखते, 100 में से 15 को घटा देते हैं तो यहाँ 85 आ जाता, और ये 100 में जो होता है 25 जोड़ देते तो 125 हो जाता। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर लाभ का है नीचे हानि के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस ध्यान रखना है आपको कि नीचे वाले को ऊपर लिखिएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए ये कितने टाइम्स में जाएगा, 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5 और 5 25। उसके बाद यहाँ हम काट देते हैं फिर 5 से, तो 5 से 2 10, 5 3 15 23 आया। फिर यहाँ 15 से काटिए, तो देखिए 15 चौक 60, 15 50 75, तो 450 गुना 23। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 10,350 रुपया। देखिए ऑप्शन सी है सही आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए एक और प्रश्न इसी टाइप पर हम करते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए, आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए सेम टाइप का प्रश्न है, बस थोड़ा सा प्रश्न का जो लैंग्वेज है, तरीका है लिखने का, वो बदला गया है, बाकी बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई होगा, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा बदला हुआ है, टाइप वन ही है। तो ये खुद से आप कोशिश कीजिए, इसको आप एक बार आप सॉल्व कर दीजिए, तो आपका ये जो तरीका है इसका आपका जो कन्फ्यूज़न है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारा अप्रोच क्या था, 450 रुपये, ठीक है, वही प्रश्न है, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचें। देखिए इसमें भी विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है कि उसे 25% का लाभ हो, तो हमारा क्या था, बाद वाला को ऊपर रखना है हमें, तो 25% लाभ हो रहा है तो 125 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 25% की हानि है, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। तो देखिए 25 तिहाई 75 और ये 25 पच्चे 125। फिर यहाँ देखिए ये काट दीजिए, तो 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, गुना कीजिए 150 गुना 5, तो कितना आ जाएगा, ये 750 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में 750 है, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। चलिए दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टाइप देखिए फ्रेंड्स, दूसरा टाइप में ये प्रश्न जो है इस तरह का, दूसरे टाइप का प्रश्न बार बार पूछा गया है, खास करके रेलवे और SSC के एग्जाम में, इसलिए पूछा गया है ताकि वहाँ पे आपका जो टाइम है उसको बर्बाद किया जाए, किल किया जाए
और आपको उलझाने के लिए ये प्रश्न पूछा जाता है। बाकी इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है। देखिए प्रश्न एक बार मैं पढ़ता हूँ कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपये में 5 की दर से उसे बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत या फिर आपसे पूछा जाए कि उसका हानि प्रतिशत कितना है। हो सकता है प्रश्न में दोनों दिया जाए कि उसका लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत कितना रहेगा। ऑप्शन में आपको हानि दिया जाएगा 10% लाभ दिया रहेगा, 20% का हानि दिया रहेगा, इस तरह से ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि पी रुपया में क्या करता है, की वस्तु खरीदता है और आर रुपये में एस वस्तु बेच देता है। क्लियर है? अब करना क्या है, एक छोटा सा तरीका आपको याद रखना है कि जब हम बाहर सामान खरीद लेने जाते हैं तो हम घर से पैसे लेकर जाते हैं, यानी कि पहले हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है किसी भी सामान को खरीदने की। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं जी। तो देखिए सबसे पहले हमको जो है रुपया रखना है। हो सकता है प्रश्न में आपको उलट दिया जाए कि 2 की दर से 1 रुपया में, ठीक है, हो सकता है 2 पहले दे दे और 1 रुपया बाद में दे दे, तो हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। बस हमारा याद रखना है हमको कि पहले रुपया रहेगा हर हाल में, ठीक है। वैसे और भी तरीके से मतलब ये उलट जाए तो भी हम बना सकते हैं, लेकिन हम एक ही तरीका अपनाएंगे, दूसरा तरीका अपनाएंगे तो वो मिक्स हो जाएगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। तो बस हम यही ध्यान रखेंगे कि पहले हम रुपया रखेंगे, यानी कि पी रुपया में क्यू वस्तु खरीदता है और फिर देखिए आर रुपये में उस एस वस्तु को बेच देता है। क्लियर है? अब देखेंगे अंदर वाले को हम अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब है ये जो दूसरा है हमारा वस्तु है और दूसरा सेक्शन का यहाँ देख रहे हैं ये रुपया है, तो पहले का वस्तु दूसरे का रुपया, दूसरे का रुपया और दूसरे का वस्तु, पहले का रुपया और दूसरे का वस्तु, इस तरह से। तो इसका तरीका क्या है कि क्यू आर यानी कि अंदर वाला गुना करेंगे माइनस बाहर वाला का मल्टीप्लाई पी एस बटा ये बाहर वाला, तो बाहर वाला क्या है पी एस गुना 100। क्लियर है? गुना 100 करेंगे। अब देखिए अगर माइनस में आता है तो हानि प्रतिशत होगा और प्लस में आता है तो लाभ प्रतिशत होगा। क्लियर है? चलिए सॉल्व करके देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि 1 रुपया में, देखिए रुपया पहले रखना है, 2 की दर से नींबू खरीदता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद कहा जा रहा है कि 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। तो अभी मैंने बताया कि अंदर वाले को अंदर वाले से और बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कीजिए 3 × 2 = 6, माइनस क्या था बाहर वाला, तो 5 × 1 = 5 कीजिएगा तो 5 आ जाएगा ये मल्टीप्लाई, बटा नीचे जो है बाहर वाला आएगा 5 × 100 था हमारा। अब देखिए करिए इसको, 1 आ जाएगा ऊपर, 1/5 × 100। क्लियर है? तो ये काटिएगा तो कितना आ जाएगा 20%। देखिए ये प्लस में आया है, कहीं माइनस नहीं है, तो 20% कैसे लाभ हुआ है। और प्रश्न में कहा भी गया है कि लाभ प्रतिशत कितना है, अगर यहाँ लाभ या हानि प्रतिशत लगा जाता तो प्लस में है तो लाभ पर आपको टिक लगाना है, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेम तरीके पर आपको जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए सेम उसी टाइप का प्रश्न है, यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखिए कहा जा रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है, ठीक है, रुपया पहले वस्तु बाद में। फिर कहा जा रहा है कि 15 रुपये में 6 की दर से, तो 15 और 6 की दर से उसको बेचता है। देखिए रुपया पहले फिर वस्तु बाद में, रुपया हमेशा पहले रखना है, ध्यान रखना। अब अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर वाले को बाहर वाले से, तो कीजिए 15 × 5 = 75। क्लियर है? 10 × 6 − 60, यहाँ माइनस लगाना है, बटा ये बाहर वाला नीचे आ रहा है, तो 60 × 100, ठीक है। तो देखिए कितना बचेगा, ऊपर कितना है घटाइएगा तो 15/60 × 100 हो जाएगा, 15 × 4 = 60 और ये कितना हो जाएगा 2500 का 100, प्लस में है तो 25% का लाभ होगा। यहाँ कहा भी जा रहा है प्रश्न में कि लाभ प्रतिशत। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा जो हानि वाला डाउट है वो भी आपका खत्म हो जाएगा। सेम टाइप का प्रश्न है, प्रश्न देख करके आप विचलित मत होइए, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको उलझाने के लिए यहाँ लगाया गया है। 50 किताबें 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदी है और 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दी, तो रमेश का लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। तो देखिए इस प्रश्न को इसलिए रखा गया है ताकि जो भी बचा खुचा आपका कन्फ्यूज़न है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ कुछ भी लिखा रहा है, 50 किताबें 100 किताबें 1000 किताबें 1,00,000 किताबें कुछ भी, इससे हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमको इससे मतलब है। क्लियर है? तो ध्यान रखिए इससे कोई मतलब हमको नहीं लेना है, कुछ भी कहा जाए प्रश्न में। और देखिए यहाँ लाभ या हानि प्रतिशत दोनों पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ क्लियर नहीं कहा गया है कि लाभ ही होगा या फिर हानि होगी, तो आपको पता करना है। तो देखिए यहाँ जो था बचा खुचा कन्फ्यूज़न वो ख़त्म होने वाला है। हमारा तरीका क्या था, 5 रुपये में 4 के भाव से ऊपर वाला, फिर नीचे 4 रुपये में 5 के भाव से। क्लियर है? अब अंदर वाले को अंदर वाले से और बाहर वाले को बाहर वाले से हमें मल्टीप्लाई करना था। देखिए 4 × 16 अंदर वाला कीजिए,
फिर बाहर वाला कीजिए तो 25 बटा बाहर वाला आएगा नीचे 25 गुना 100। क्लियर है फ्रेंड्स। अब यहाँ आप सॉल्व कीजिए तो देखिए 25 यहाँ जाएगा और 16 तो ऊपर क्या आएगा माइनस आ जाएगा ना, माइनस 9 हो जाएगा बटा 25 गुना 100 कीजिए। अब 25 चौके कितना होगा 100 होगा, यानी कि कितना आया माइनस 36 आया। तो ये माइनस से आपको पता चलता है कि ये जो है हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है तो 36% की हानि हो रही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर, सब कुछ क्लियर, लाभ का हानि का यहाँ कुछ भी लगा दिया जाए क्लियर, क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए अगला टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 3। दोस्तों अब हम टाइप नंबर 3 देखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न कई बार रेलवे में पूछे गए हैं, मैंने देखा है ये फ्रीक्वेंटली पूछा गया प्रश्न है इस टाइप के प्रश्न, ठीक है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि कहा जा रहा है कि 10 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस जो है ना ये 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, यही कहा जा रहा है ना प्रश्न में। तो देखिए कुछ भी नहीं करना है आपसे, लाभ प्रतिशत जो पूछा जा रहा है इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। देखिए करना क्या है कि ये 9 रुपया जो SP दिया हुआ है 9 सामान का, आपको करना क्या है कि उलट देना है, ये 9 इधर आ जाएगा और ये 10 जो है इधर आ जाएगा, यानी कि अब 9 रुपया कॉस्ट प्राइस हो गया और 10 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया। क्लियर, तो देखिए यहाँ लाभ हो रहा है कि नहीं, 9 रुपया में कोई वस्तु खरीदता है और उसको 10 रुपये में वो बेच दे रहा है तो उसको 1 रुपया का लाभ हो रहा है। क्लियर है। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है कि लाभ होता है तो लाभ 1 रुपया बटा कॉस्ट प्राइस होता है यानी कि क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य कितना है 9 रुपया है, 9 रुपया गुना 100 होता है, तो आप इसको कीजिएगा तो 100 बटा 9 आ जाएगा। फर्दर आप इसको जब और तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तोड़ के देख लीजिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 पूर्णांक 1/9%। क्लियर है, ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न करेंगे तो और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए अब इस प्रश्न को आप खुद से हल कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैं बताता हूँ वैसे करना आपको है। कहा जा रहा है कि 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस है वो 15 वस्तुओं के SP के बराबर है, तो मैंने बताया क्या था आपको कि ये उलट देना है, ये 15 आ जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और 20 जो है ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यानी कि 15 जो है क्रय मूल्य हो जाएगा और 20 जो है ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो देखिए ये लाभ हो रहा है कि नहीं, 15 रुपये में खरीद रहा है उसको और 20 रुपये में बेच रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है, 5 रुपये का लाभ हो रहा है भाई। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 15 गुना 100, तो ये 5 से काट दीजिए 3 टाइम्स में 15 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 100 बटा 3 आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको और तोड़ लीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, वैसे आंसर आपको पता चल गया है। तो फ्रेंड्स ये था 3 तरीके, देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई है और इसी तरह का ट्रिक मैं रेगुलर आपके लिए लेकर आते रहूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और इस तरह के प्रश्न जो है ढूंढ ढूंढ के आप सॉल्व कीजिए और देखिए कितने आसानी से इस टाइप के प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।